प्रिय स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम जैव विकास के प्रमाण के नाम से जानते हैं। इसमें हम टॉपिक जो है आज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, और इसका आज हम पार्ट वन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, तो हम इसको तीन या चार पार्ट में बनाएंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास क्या है। देखिए, जैव विकास को अगर हम परिभाषित करें तो पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का जो विकास है वो प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को ही हम जैव विकास कहते हैं। अर्थात आज जो जटिलतम जीव हम अपने आसपास या चारों ओर देखते हैं, उनका विकास जो है वो सरलतम या एक कोशिकीय जीवों से ही हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा से इस पृथ्वी पर चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, और इस प्रकार के परिवर्तनों को हम जो है जीव विज्ञान की जो एक ब्रांच है या उसको जिसको हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसमें हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बहुत सारे जो है साक्ष्य या एविडेंसेस मौजूद हैं, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जीवों का विकास जो है वो क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा धीरे धीरे हुआ है। और इसमें सबसे पहले जो हम एविडेंस प्रस्तुत करेंगे वो है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जिसको कि हिंदी में हम तुलनात्मक शरीर रचना एवं आकारिकी के प्रमाण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के एविडेंसेस में हम निम्न पॉइंट को यहाँ पर स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे हम एनालोगस ऑर्गन्स, देन कनेक्टिंग लिंक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और लास्ट में हम बात करेंगे एटाविज्म की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स की, जिनको हिंदी में हम संजात अंग के नाम से जानते हैं। संजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मूल संरचना है या जिनका जो ओरिजिन है या इनकी उत्पत्ति है और जो उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी समानता होती है। तो ऐसे अंग जो है संजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो अपसारी जैव विकास को परिभाषित या प्रमाणित करते हैं, अर्थात ये बताता है कि एक ही जो पूर्वज से जो है विभिन्न दिशाओं में जो है विकास हुआ है, और एक ही पूर्वज से जो है अनेक प्रकार के जो जीव हैं उनका विकास हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कॉमन एंसेस्टर है, और इससे जो है अलग अलग तरह की ये ब्रांच जो है निकली हैं और अलग अलग प्रकार के जीव जो है विकसित हुए हैं। तो इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अपसारी जैव विकास के नाम से भी जानते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स के हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए फोर लिम्स ऑफ टेट्रापोड, जो चतुष्पाद होते हैं जिनके चार हाथ पैर होते हैं, तो उनमें जो है एक जैसा बॉडी प्लान या जिसको हम पेंटाडेक्टाइल प्लान कहते हैं इनमें उपस्थित होता है। और इनमें जो पेंटाडेक्टाइल प्लान में जो बोन्स होती हैं या जो अस्थियाँ हैं उनमें ह्यूमरस, रेडियस, कार्पस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फलेंजेज होते हैं। देखिए इसको हम फिगर की सहायता से यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए ये डिफरेंट टाइप के जो है टेट्रापोड्स हैं, और उनके जो देखिए जो इनके जो पेंटाडेक्टाइल प्लान है लगभग लगभग सेम है। जैसे मेन में जो है हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो हमारे जो हाथ हैं वो चीज़ों को पकड़ने का ग्रेस्पिंग में हेल्प करते हैं। हमारा जो थंब है देखिए वो एकदम अपोजेबल थंब होता है, इसकी सहायता से हम काउंटिंग कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। चीता में जो देखिए जो फोर लिम्स होते हैं वो दौड़ने का कार्य करते हैं, जबकि व्हेल में जो फ्लिपर्स वगैरह होते हैं वो तैरने का काम करते हैं, और बैट में जो पंख होते हैं वो जो है उड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ जो बेसिक प्लान है वो सभी का एक जैसा है, और सभी में ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेज जो है उपस्थित होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सारे जो है होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो पेंटाडेक्टाइल प्लान के अंतर्गत हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इनके कार्य हैं वो डिफरेंट हैं।
देखिए, दूसरा जो होमोलोगस होमोलोगस ऑर्गन्स हैं उनके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो कीटों के जो माउथ पार्ट्स होते हैं या जो मुख उपांग हैं वो सभी जो है मैंडिबल्स, लेब्रम, लेबियम, मैगजिला आदि जो है से बने होते हैं, लेकिन डिफरेंट इंसेक्ट में इनकी जो वर्किंग है या जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें कि जो कॉकरोच है उसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड चुइंग टाइप के होते हैं, मास्किटो में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं कि हमारी स्किन को पियर्स करते हैं, छेदते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड को सक करते हैं। जबकि हनी बी में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो च्युइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं जिससे वो जो फ्लावर्स के जो नेक्टर्स को आसानी से जो है सक कर पाते हैं। हाउस फ्लाई के जो माउथ पार्ट्स हैं वो स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, जबकि बटरफ्लाई के जो माउथ पार्ट हैं जो वो साइफोनिंग टाइप के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है संवृत्ति अंग की बात करें तो इनको देखिए इंग्लिश में हम एनालोगस ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, और ये ऐसे अंग होते हैं जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये देखने में अगर उनको एक्सटर्नियल इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखें तो वो हमको एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो ओरिजिन है या जो उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ऐसे अंगों को हम समरूप या एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और एनालोगस ऑर्गन्स जो हैं वो अभिसारी जैव विकास को प्रमाणित करते हैं, अर्थात जो भिन्न भिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में हुए जैव विकास को ये शो कर रहा है। देखिए ये फिगर कि भिन्न भिन्न जो हैं ये हमारे जो पूर्वज हैं लेकिन इनका जो कन्वर्जेंस है एक पॉइंट पर आकर होता है, तो ये जो है सिद्ध करता है कि भिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में जो है जैव विकास हुआ है। संवृत्ति अंगों की अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होते हैं वो समरूप अंगों के उदाहरण हैं। देखिए पक्षियों के जो पंख हैं वो पेंटाडेक्टाइल प्लान इनमें पाया जाता है, और जो कीटों के जो पंख हैं वो बॉडी सेगमेंट्स का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर जो इनका ओरिजिन है या इनका जो एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक जो पैटर्न है इनका फॉर्मेशन का, वो टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो पंख हैं चाहे पक्षियों के पंख हों चाहे कीटों के पंख हों वो उड़ने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से देखिए जो पेक्टोरल फिन्स जो शार्क में जो पेक्टोरल फिन्स हैं और जो डॉल्फिन्स के जो फ्लिपर्स होते हैं वो भी एनालोगस ऑर्गन हैं। दोनों के जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ओरिजिन है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों का कार्य जो है तैरने में वो हेल्प करते हैं। इसी प्रकार से जो स्टिंग ऑफ हनी बी और जो स्कॉर्पियोन के जो स्टिंग है वो भी टोटली उनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन उनका कार्य जो है काटना होता है, मनुष्य को बाइट करना होता है। तो देखिए जो हनी बी का जो स्टिंग होता है वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर होता है, जबकि स्कॉर्पियोन का जो स्टिंग है वो मॉडिफाइड बॉडी सेगमेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का ही ओरिजिन टोटली डिफरेंट है, लेकिन इनके फंक्शंस जो हैं वो सेम हैं। तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन का एक एग्जाम्पल है। अगर हम संयोजी कड़ी की बात करें तो देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो संयोजी कड़ी है, इसको हम कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं। तो वे जीव जातियां जो अपने से कम विकसित जातियों तथा अपने से अधिक विकसित उच्च कोटि की जातियों के लक्षणों का सम्मिश्रण होता है। कनेक्टिंग लिंक ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक या इनमें दो ग्रुप या दो समूहों के लक्षण जो है एक साथ पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम संयोजक कड़ियां या संयोजक जातियों के नाम से जानते हैं, और ये जो दो समूह हैं वो निम्न हो सकते हैं, या तो वो लिविंग और नॉन लिविंग हो सकते हैं, या टू डिफरेंट किंगडम हो सकते हैं, या जो दो डिफरेंट फाइला हो सकते हैं, या दो डिफरेंट वर्ग हो सकते हैं, या दो डिफरेंट गण हो सकते हैं। तो ये ऐसे जंतु होते हैं संयोजी कणी जिनमें एक साथ दो समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक समूह का विकास जो दूसरे समूह से हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम विषाणु, इसको वायरस के नाम से जानते हैं, और वायरस जो है वो सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ पर जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ये कनेक्टिंग लिंक है। यूगलिना की हम बात करें तो यूगलिना जो है संघ प्रोटोजोआ का एनिमल है, लेकिन इसमें कुछ करेक्टर्स जो है प्लांट के होते हैं और कुछ करेक्टर जो है एनिमल्स के होते हैं। एनिमल्स की भांति ये जो है मूवमेंट करता है क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, और प्लांट की तरह ये जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये प्लांट और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक है।
सॉरी। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो प्रोटीरो स्पंजिया है। यह प्रोटीरो स्पंजिया जो है फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच कनेक्टिंग लिंक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नियोप्लाइना है। नियोप्लाइना फाइलम मोलस्का और फाइलम एनिलिडा के बीच कनेक्टिंग लिंक है। और नियोप्लाइना को हम लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। लिविंग फॉसिल जनरली ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें काफ़ी समय से इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसे एनिमल्स को जो है लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है। ये कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि लिविंग फॉसिल क्या है, तो लिविंग फॉसिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे एनिमल्स जिनके फिजिकल अपीयरेंस में काफ़ी लंबे समय से या हम कहें कि हजारों वर्ष से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे एनिमल्स को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। संयोजी कड़ियों के जो अगला एग्जाम्पल है वो है पेरीपेटस। पेरीपेटस जो है संघ आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और ये एंगलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है तथा तो एंगलिडा से आर्थ्रोपोडा के उद्दीपन विकास को प्रमाणित करता है। इससे सिद्ध होता है कि आर्थ्रोपोडा का जो विकास है वो एंगलिडा फाइलम से हुआ है। देखिए इसके बाद जो कनेक्टिंग लिंक है वो बेलोनोग्लासस है, जिसको हम टंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। यह जो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स के बीच की कड़ी है। तो इससे सिद्ध होता है कि वर्टिब्रेट्स का जो विकास है वो प्रारंभिक जो है इनवर्टिब्रेट से हुआ है। इसके बाद देखिए संयोजी कड़ियों में हम बात करेंगे लंग फिशेस की। तो लंग फिशेस ऐसी फिशेस होती हैं जिनके अंदर जो है लंग्स पाए जाते हैं। इसके जो है देखिए तीन स्पेसीज पाई जाती हैं, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और न्यूसेरेटोडस। इन मछलियों को हम उभयचर या एम्फीबियंस और मछलियों के बीच की कड़ी मानते हैं और इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया, इसको हम डिप्नोई के नाम से जानते हैं। और इन लंग फिशेस को हम अंकल ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आ गया है कि अंकल ऑफ एम्फीबियंस कौन है, तो आप जो है लंग फिशेस पर टिक लगाएंगे। और जैसा मैंने बताया लंग फिशेस जो है तीन जो है मेन स्पेसीज हैं, प्रोटोप्टेरस जिसको अफ्रीकन लंग फिश के नाम से भी जानते हैं, लेपिडोसायरन जिसको हम साउथ अफ्रीकन लंग फिश के नाम से जानते हैं, और न्यूसेरेटोडस जिसको हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए जो हमारा जो नेक्स्ट जो कनेक्टिंग लिंक है वो है काइमेरा। काइमेरा जो है वो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की भांति कार्य करता है। और देखिए नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल है कनेक्टिंग लिंक का वो है स्पिनोडोन, जिसको हम टुआ तारा के नाम से भी जानते हैं। और यह जो स्पिनोडोन है यह उभयचर एवं सरीसृप के बीच की कड़ी मानी जाती है, जो कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें इसकी एक खास बात और होती है कि इसमें जो है थर्ड आई पाई जाती है, इसको हम पैरापीनियल आई के नाम से भी जानते हैं। और स्पिनोडोन को भी जो है लिविंग फॉसिल कहा गया है। लिविंग फॉसिल जैसे मैंने बताया ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें काफ़ी समय से कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कॉकरोच को भी हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का मेंबर है। देखिए अगला जो कनेक्टिंग लिंक है वो है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक पक्षी जैसा प्राणी था जो कि वर्तमान में जो है विलुप्त हो चुका है, और यह जो है सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता था। यह पक्षी वर्ग का जंतु था क्योंकि इसमें जो है पंख बहुत ज़्यादा विकसित थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है इन बिटवीन द पक्षी इन बिटवीन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये जो अगला जो कनेक्टिंग लिंक है वो है अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्तनधारी जो है बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ प्रिमिटिव मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि एग लेइंग होते हैं और जो अंडे देते हैं। वर्तमान में ये तीन इनकी जातियां जो है वो काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे एकेडिना जिसको हम स्पाइनिया एंटीटर और टैचिग्रोसस के नाम से भी जानते हैं, दूसरा ऑर्निथोरिंकस, और तीसरा जो है वो डबल प्लेटिपस है। ये सभी जंतु जो है ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया में पाए जाते हैं, और ये जंतु जो है वो रेप्टाइल्स एवं मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है वो अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जिनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे अंग होते हैं जो वर्तमान में जीव में फंक्शनल नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर या हमसे रिलेटेड जो एंसेस्टर हैं उनमें किसी समय वो फंक्शनल रहे होंगे।
ये ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो है फंक्शनल नहीं है, लेकिन काफ़ी समय पहले ये हमारे एंसेस्टर्स या जो हमारे रिलेटेड एंसेस्टर्स हैं उनके उनमें जो है फंक्शनल या क्रियाशील रहे होंगे। तो ऐसे ऑर्गन को हम जो है अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत बहुत से जो ऑर्गन्स हैं इनका कोई विशेष कारण नहीं होता है। तो हम पहले बात करेंगे अपने हमारे जो शरीर में पाए जाने वाले जो कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं या हमारे शरीर में जो अवशेषी अंग हैं उनकी हम बात करेंगे। सॉरी, निक्टिटेटिंग, देखिए इससे पहला एग्जाम्पल है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसको हम प्लीका सेमी नूलरिस या थर्ड आईलेट के नाम से जानते हैं। मनुष्य में यह अवशेषी अंग है लेकिन फ्रॉक्स एवं बर्ड्स में यह फंक्शनल होते हैं। देखिए आप बिल्कुल आई के ये कॉर्नर में देखेंगे तो आपको ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में एक ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पर जिसको हम प्लीका सेमी लूनेरिस या थर्ड आईलेट के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए जो जो एक्वेटिक मैमल्स हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या जो बर्ड्स हैं उनके अंदर ये बहुत विकसित होती है। जैसे ही ये जो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में उतरते हैं तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उनकी आंखों के चारों तरफ चढ़ जाती है और जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं और पानी उनकी आंखों के अंदर नहीं जाता है। देखिए दूसरी प्रकार की जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में वो है ऑरिकुलर मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। देखिए मनुष्य अपने ईयर पिन्ना को हिला नहीं पाते हैं क्योंकि उनमें जो मसल्स होती हैं जो उनको ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। लेकिन कैटल में यह पेशियाँ काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल होती हैं। आपने देखा होगा जो कैटल्स हैं वो अपने ईयर पिन्ना को हिला सकते हैं लेकिन मनुष्य में सामान्यतः जो ऑरिकुलर मसल्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति में ये मसल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं और वो अपने कानों को हिला सकते हैं। सॉरी, इसके अलावा देखिए कुछ प्रेमिडियलिस मसल्स होती हैं हमारे एब्डोमेन में, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नॉन फंक्शनल हैं। इसके अलावा देखिए पेनिनकुलस कार्नोसस मसल्स ऑफ स्किन। मनुष्य में ये जो पेशियाँ होती हैं वो अवशेषी होती हैं, वेस्टिजियल होती हैं, लेकिन कैटल में ये क्रियाशील होती हैं। आपने देखा होगा कि कैटल्स जो होते हैं अपनी स्किन को हिला सकते हैं। जैसे कोई मच्छर या मक्खी जब उनकी स्किन पर बैठ जाता है तो वो अपनी जो स्किन की जो मसल्स हैं उनको जो है हिलाकर जो है हिलाते हैं जिससे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उड़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य में इस प्रकार की जो मसल्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं। लेकिन मनुष्य के देखिए फोर हेड में जो उनका जो माथा है उसमें जो मसल्स हैं ये स्किन मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं और मनुष्य जो है अपनी फोर जो हेड है उसकी मसल्स को या उसकी स्किन मसल्स को मूव कर सकते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं तो मनुष्य की बॉडी में केवल एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर जहाँ की जो स्किन मसल्स हैं वो फंक्शनल होती हैं। इसके अलावा देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको हम कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं। मनुष्य में जो सीकम के पास से एक फिंगर लाइक संरचना निकलती है, जैसे देखिए सीकम ये है और इसके साइड से ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो मनुष्य में सीकम का भी कोई विशेष कारण नहीं है और ये अपेंडिक्स जो काफ़ी जब बड़ी हो जाती है मनुष्य में तो हम लोग इसको ऑपरेशन या सर्जरी के द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है कुकिक्स और जिसको हम टेल बोन के नाम से जानते हैं। तो वर्टिबल कॉलम के नीचे वाले जो वर्टिब्रे हैं वो आपस में मिल जाते हैं और कोकिक्स बनाते हैं जिसका कोई विशेष रोल हमारे शरीर में नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे शरीर में वो है थर्ड मोलर जिसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। हम जानते हैं कि जो थर्ड मोलर्स हैं वो कुछ मनुष्यों में या तो निकलते ही नहीं हैं या मसूड़ों में धसे रह जाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो थर्ड मोलर्स हैं वो जो है इरप्ट नहीं हुए हैं और वो गम्स के अंदर मसूड़ों के अंदर ही रह गए हैं। अधिकांश व्यक्तियों में ये वेस्टिजियल होते हैं। इसके अलावा देखिए जो बॉडी हेयर्स हैं कुछ मनुष्यों में आपने देखा होगा कि काफ़ी अधिक जो है बाल होते हैं लेकिन अधिकांश मनुष्यों में इन बालों का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व शरीर को गर्म रखने में इनका कार्य रहा होगा।
तो जनरली अभी जो मनुष्य हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें कोई इन बालों का कोई विशेष महत्व नहीं है। देखिए, नेक्स्ट जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है मेमरी ग्लैंड एंड निप्पल्स इन मेल। फीमेल ह्यूमन में इनका कार्य तो हम सब जानते हैं कि नवजात शिशुओं को दूध पिलाने का जो कार्य है वो मेमरी ग्लैंड या निप्पल्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो मेल्स होते हैं, ह्यूमन मेल हैं, उनमें ये अवशेषी अंग के रूप में जो है रह जाते हैं। हम बात करें, देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन इन अदर एनिमल्स। मनुष्यों में अभी हमने वेस्टिजियल ऑर्गन को स्टडी किया था, लेकिन मनुष्यों के अलावा और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें अजगर की, जिसको हम पाइथन के नाम से जानते हैं, उसमें जो हाइंड लेग्स और पेल्विक गडिल जो है वेस्टिजियल होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल हाइंड लिम्स हैं। हाइंड लिम्स जो है इस प्रकार से जो है छोटी सी फॉर्म में यहाँ पर रह गए हैं। विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड, कुछ जनरली जो बर्ड्स हैं उनमें उड़ने के लिए विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनमें विंग्स जो हैं वेस्टिजियल हो गए हैं और ऐसी बर्ड जो हैं उड़ नहीं पाती हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोबरी, कीवी, रिया, पेंगुइन्स और डोडो। कुछ ऐसी पक्षियों के नाम हैं जो कि इनके जो विंग्स हैं वो नॉन फंक्शनल हैं और अवशेषी हो गए हैं, जिसकी वजह से यह जो है उड़ नहीं पाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रिच की हम बात करें तो ऑस्ट्रिच जो है यह ना उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी का उदाहरण है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। इसका जो अनफर्टिलाइज इसका जो अनिषेचित अंडा है वो जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, ये जो फिगर बना है वो कीवी का है। कीवी एक फल का नाम भी होता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। कीवी जो है वो एक छोटी बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है और वहाँ की राष्ट्रीय पक्षी होती है। ये जो फिगर है वो ऑस्ट्रिच का है, इसको हम स्टूथियो के नाम से जानते हैं, और कीवी जो है इसको हम जूलॉजिकली जो है एप्टेरिक्स के नाम से जानते हैं, और ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है। अगले वेस्टिजियल ऑर्गन की हम बात करें तो हम देखते हैं कि स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्स। जो हॉर्स या जो घोड़े होते हैं उनमें स्प्लिंट बोन जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में रह गई है, और ये जो स्प्लिंट बोन होती है दे आर दी रेमिनेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ टोज, जो दूसरी और चौथी जो उंगलियां होती हैं उसके ये अवशेषी अंग के रूप में हैं। देखिए, पांचवा जो पॉइंट है वो है एटाविज्म। एटाविज्म मीन्स होता है अचानक किसी जीव में उनके पूर्वजों के ऐसे लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं जो अब या तो पूर्ण रूप से गायब हैं या काफ़ी कम विकसित रह गए हैं। तो ऐसे करेक्टर्स को हम एटाविज्म के नाम से जानते हैं। एटाविज्म मीन्स जैसे अचानक से कोई हमारा जो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर जो है विकसित हो जाए। जैसे देखिए, कुछ मनुष्यों के में जो ऑरिकुलर मसल्स होती हैं एक्सटर्नल ईयर में, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, इसकी सहायता से वो अपने एक्सटर्नल ईयर को, जिसे हम पिन्ना के नाम से जानते हैं, उनको हिला पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कान को हिला लेते हैं, अर्थात उनके अंदर जो है एंसेस्ट्रल करेक्टर्स जो है डेवलप हो गए हैं, यानी उनके अंदर ऑरिकुलर मसल्स जो है एक्टिवेट हो गई हैं, जिसकी सहायता से वो अपने कान को हिला पाते हैं। कुछ मनुष्यों में कैनाइन सीथ वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो कैनाइन सीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित हो गए हैं। ये जो कार्निवोर्स का लक्षण है। देखिए इसके देखिए अगली बार हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, कुछ मनुष्यों में शरीर पर अत्यधिक बाल पाए जाते हैं। देखिए, मनुष्य इनके शरीर पर जो है काफ़ी अधिक बाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये भी एक एंसेस्ट्रल करेक्टर है जो कि अचानक से जो है अपीयर हो जाता है, तो ये भी एटाविज्म का एक उदाहरण है। इसके अलावा देखिए, जो कुछ न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें जो है आप टेल देख पाते हैं, तो ये भी एक जो है एटाविज्म है, एटाविज्म का उदाहरण है। तो हमने आज ये कुछ पॉइंट की सहायता से एविडेंस को हमने जाना है कि जैव विकास का जो फर्स्ट एविडेंस की हम बात कर रहे थे, जिसको हमने एविडेंसेस फ्रॉम कंपरेटिव एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी से लिया था,
उसमें हमने देखिए 5 पॉइंट्स को आज स्टडी किया है, और इन पांचों पॉइंट से ये एविडेंस हमको मिलता है कि जीवों का विकास जो है वो सरलतम जीवों से हुआ है या अपने से कम विकसित जीवों से हुआ है, और विकास की यह प्रक्रिया जो है लगातार चल रही थी, चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। तो हमने इस सेशन में होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म के बारे में पढ़ा है। तो ये या तो पूरा क्वेश्चन आएगा या इसमें शॉर्ट नोट्स में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये वीडियो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें जिससे उनको भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।